नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 8 बजे, जिसमें हम कंबाइंड क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जेट आईसीआर बीएचयू आरपीवीटी और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बायोलॉजी एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री के। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में तो एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए भी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस समुदाय के जंतुओं में शरीर में छोटे छोटे अनेक छिद्र पाए जाते हैं, पोरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा या फिर प्लेंटी हेलमथीज। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स वो हो जाएगा पोरीफेरा में, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पोरीफेरा इस समुदाय के जंतुओं के शरीर में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया बोलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया बोला जाता है, इसीलिए समुदाय का नाम है वो पोरीफेरा, यानी जिसे हम छिद्रधारी भी बोल सकते हैं, पोरीफेरा यानी छिद्रधारी रखा गया है। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे स्पंज के नाम से जाना जाता है, निडेरिया, पोरीफेरा, प्लेंटी हेलमथीज, एनेलिडा। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पोरीफेरा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पोरीफेरा संघ को स्पंज कहा जाता है और यह बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, बहुकोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हुए भी इनके शरीर में उत्कों तथा अंगों का निर्माण नहीं होता है। इनके शरीर में एक बड़ी गुहा पाई जाती है जिसे हम स्पंज गुहा कहते हैं। इट्स ओके, चीजें समझ में आई। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है बाथ स्पंज के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, यूस्पोंजिया, हाइड्रा, मूंगा, नेरिश। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है वो यूस्पोंजिया को बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यूस्पोंजिया गहरे भूरे रंग के पोटिलाकार या फिर स्पालिक आकार के स्पंज होते हैं और इनके कंकाल को सुखाकर स्नान के कार्य के लिए लिया जाता है, इसीलिए इसे बाथ स्पंज भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विनस के फूलों की टोकरी किस स्पंज के सूखे कंकाल को कहते हैं, विनस के फूलों की टोकरी किस स्पंज के सूखे कंकाल को कहा जाता है, स्पंजिला, यूप्लेक्टेला, यूस्पोंजिया या फिर साइकन। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यूप्लेक्टेला, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यूप्लेक्टेला। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है किस स्पंज को जापान में भेंट के रूप में प्रदान किया जाता है, जापान में भेंट के रूप में प्रदान किया जाता है, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला, मूंगा या फिर पॉलिश। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यूप्लेक्टेला को जापान में भेंट के रूप में प्रदान किया जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने, क्वेश्चन है निम्न में से किस संघ के जंतु फीते की तरह चपटे होते हैं, फित्ते की तरह चपटे होते हैं, पोरीफेरा, एनेलिडा, प्लेंटी हेलमथीज, एसके हेलमथीज। तो 6 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्लेंटी हेलमथीज, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्लेंटी हेलमथीज संघ के जंतु फित्ते की तरह चपटे होते हैं और इनका शरीर है वो 3 स्तरों, एंडोडर्म, मिशोडर्म और एक्टोडर्म से बना होता है। ठीक है ना, इनका शरीर है वो 3 स्तरों से बना होता है, एक्टोडर्म है, मिशोडर्म है और एंडोडर्म है, परंतु इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्सर्जन के लिए किसमें ज्वाला या शिखा कोशिकाएं पाई जाती है, फीताकर्मी, एस्केरिश, फाइलेरिया कृमि, शूत्र कृमि।
तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फीताकर्मी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फीताकर्मी अर्थात जिसे हम बोलते हैं टीनिया सोलियम, एक अंतः परजीवी जंतु होता है भी, टीनिया सोलियम अर्थात फीताकर्मी एक अंतः परजीवी जंतु होता है। इनका शरीर लंबा पतला तथा फीते के समान होता है और इनमें ज्वाला कोशिकाएँ भी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, आठ नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है किसमें रुधिर नहीं होता किंतु शोषण होता है, पॉलिप में, हाइड्रा में, अमीबा में या फिर सुअर में। तो आठ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हाइड्रा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। रुधिर नहीं होता और फिर भी शोषण होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाइड्रा एकलिंगी या द्विलिंगी होता है और हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस जंतु को किसानों का मित्र कहा जाता है, केंचुआ को, अमीबा को, हाइड्रा को, जोंक को। तो नाइन नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा केंचुआ को किसान का मित्र बोला जाता है। किस जंतु को किसान का मित्र, तो केंचुआ यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। केंचुआ भूमि को रंध्री बनाता है, ठीक है, केंचुआ भूमि को है वो शरंद्री बनाता है। केंचुआ मिट्टी के अंदर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाता है और यह मिट्टी को खाकर अपनी सुरंग बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, टेन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साथ साथ में क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। फाइलेरिया कृमि किस संघ के जंतु है, पोरीफेरा, एस के हेलमथीज, प्लेंटी हेलमथीज या फिर एनेलिडा। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फाइलेरिया कृमि किस संघ के जंतु है, तो आपका राइट आंसर होगा एस के हेलमथीज, यानी बी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। एस के हेलमथीज संघ को निमेटी हेलमथीज या फिर निमेटोड अथवा गोलकर्मी की संज्ञा प्रदान की गई है और इसमें खंडों का अभाव होता है, इसमें शोषण तथा रुधिर परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो यहाँ पे सूत्रकृमि है, हुकवर्म है और एस के रीच फाइलेरिया कृमि है, ये इसके एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार की शारीरिक योजना किसने पाई जाती है, ऑर्थोपोडा में, पोरीफेरा में, एनेलिका में या फिर उपरोक्त सभी में। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एनेलिका में, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इनका शरीर छल्लेदार खंडों का बना होता है तथा शरीर की संरचना नली के अंदर नली के रूप में होती है और शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है। इनकी देह गुहा शिलोम कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रा निम्न में से किस संघ में पाया जाता है, हाइड्रा है वो निम्न में से किस संघ में पाया जाता है, पोरीफेरा, निडेरिया, ऑर्थोपोडा, प्लेटी, हेलमथीज। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हाइड्रा है वो निम्न में से किस संघ में पाया जाता है, तो निडेरिया में पाया जाता है भी, निडेरिया यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ भी हाइड्रा में 10 कोशिकाएँ पाई जाती है, 10 कोशिकाएँ पाई जाती है और ये शिकार को मूर्छित करने व पकड़ने में मदद करती है और शत्रु से रक्षा करती है। निडेरिया में हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, सी एनिमोन आदि पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखो भी, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। निम्न में से किसमें पाचन तंत्र नहीं होता, स्पंजिला, यूप्लेक्टेला, फीताकर्मी, यूस्पोंजिया। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पाचन तंत्र नहीं होता, तो फीताकर्मी, फीताकर्मी में पाचन तंत्र नहीं होता, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फीताकर्मी एक अंतः परजीवी जंतु है जो मुख्यतः सुअर, मनुष्य, भेड़, बकरी और बंदर की आंतों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग किंतु जंतुओं में पाया जाता है, नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है किंतु जंतुओं में पाया जाता है, केंचुआ, जोंक, नेरिस, उपरोक्त सभी। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है केंचुआ में शोषण किसके द्वारा होता है,
फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, हृदय द्वारा, आमाशय द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा त्वचा द्वारा। केंचुए का जो शोषण होता है केंचुए में वो त्वचा द्वारा होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। केंचुआ का प्रमुख उत्सर्जी अंग यूरिया होता है तथा केंचुए में पार्श्वीय हृदयों की संख्या 8 होती है। अगर आपसे पूछ ले भी केंचुए में पार्श्वीय हृदयों की संख्या कितनी होती है तो 8 होती है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने क्वेश्चन है, सुमेलित करना आपको। तो यहाँ पे साइकन, साइकन आपका सुमेलित हो जाएगा पोरीफेरा। साइकन पोरीफेरा हाइड्रा है वो कौन से संघ में आता है अभी? तो हाइड्रा है वो आएगा निडेरिया या फिर सिलेंट्रेंटा में, निडेरिया या सिलेंट्रेंटा। केंचुआ है वो संघ में एनेलिडा संघ में आएगा, केंचुआ एनेलिडा में आ जाएगा। और झींगा मछली है वो ऑर्थोपोडा में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से सही सुमेलित हो जाएगा। अगला भी आपको सही सुमेलित करना है, केकड़ा है वो कौन से संघ में आता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑर्थोपोडा में, केकड़ा ऑर्थोपोडा में आता है। नेरिश, नेरिश है वो एनेलिडा में आता है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम है वो प्लेंटी हेलमथीज संघ में आता है। और फाइलेरिया है वो एसके हेलमथीज के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ये सही सुमेलित हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑर्थोपोडा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो ऑर्थोपोडा को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन कौन से है? इंसेक्टा, अरेकनाइडा या फिर मियोपोडा, मिरियोपोडा या फिर क्रेस्टेशिया, यानी ये 4 पार्टों में इसको ऑर्थोपोडा को डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, जंतुओं की कुल ज्ञात जातियों में सर्वाधिक संख्या किस संघ की है? सर्वाधिक संख्या किस संघ की है? ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, पोरीफेरा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑर्थोपोडा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑर्थोपोडा में लगभग 60% सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और इन जंतुओं का शरीर है वो खंड युक्त तथा टांगे जोड़ीदार होती है, इसीलिए इन समुदाय को ऑर्थोपोडा कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, अगला क्वेश्चन देखो। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोपोडा का सदस्य है? साइकन, हाइड्रा, कन खजूरा, अमीबा। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑर्थोपोडा का सदस्य है तो वो कन खजूरा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, कन खजूरा जो कि ऑर्थोपोडा का एक सदस्य है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, क्वेश्चन है सबसे भारी धातु आपको बताना है कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? चांदी, सोना, पारा, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑस्मियम है, भी डी ऑप्शन ऑस्मियम है। तो ऑस्मियम आपका राइट आंसर होगा भी, ठीक है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। अब आपको बताना है सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम। तो सबसे हल्की धातु आपका राइट आंसर होगा लिथियम है, वो सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, साथ साथ में क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे हल्का तत्व बताना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है वो सबसे हल्का तत्व है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा विद्युत ऋणात्मक, फ्लोरीन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? परमाणु भार, अणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु घनत्व। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा परमाणु संख्या, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? 5, 8, 11 और 19। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 8,
यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पाया जाने वाला धातु तत्व लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, संक्रमण तत्वों की विशेषता क्या है? अपूर्ण डी ऑर्बिटल, या फिर अपूर्ण एफ ऑर्बिटल, या फिर अपूर्ण पी ऑर्बिटल, या फिर अपूर्ण एस ऑर्बिटल। तो आपका राइट आंसर होगा संक्रमण तत्वों की विशेषता है वो है अपूर्ण डी ऑर्बिटल, अपूर्ण डी ऑर्बिटल, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक धातु, एक हेलोजन, एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक क्या है? निष्क्रिय गैस है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु, एक हेलोजन, एक एक्रिय गैस, या फिर एक उपधातु। तो 31 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा एक क्षार धातु होता है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सहजातीयता होती है? शून्य इलेक्ट्रॉन सहजातीयता होती है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियोन। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे शून्य इलेक्ट्रॉन सहजातीयता होती है वो नियोन आपका राइट आंसर होगा भी, ठीक है, नियोन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 33 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक, एसिडिक, बेसिक और एसिडिक, उदासीन। तो आपका राइट आंसर होगा बेसिक और एसिडिक, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु बताना है, तांबा, लोहा, सोडियम, सीसा, सोडियम। तो सोडियम है वो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है सोडियम धातु का संग्रह है निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है, केरोसिन का, या फिर हवा में, या फिर जल में, या फिर अमोनिया में। तो केरोसिन को सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, तो इसीलिए इसको स्टोरेज के रूप में केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वह डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, धुआं देगा। तो तैरता हुआ जलने लगेगा भी अगर सोडियम के टुकड़ों को पानी में डाल दिया जाए, तो डी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो सोडियम का उपयोग किया जाता है भी इन लैंपों में, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, साधारण नमक में रासायनिक यौगिक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर होगा साधारण नमक में रासायनिक यौगिक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है भी, सोडियम क्लोराइड होता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखो, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाले हाइपो निम्नलिखित का रासायनिक नाम बताओ भी, हाइपो विलयन का रासायनिक नाम बताना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, या फिर सोडियम पेरोक्साइड। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपो विलयन का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है आपको क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट।
तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, भारत में भैंस की कुल कितनी देसी नस्लें पाई जाती हैं, कुल कितनी देसी नस्लें पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 184, 43, 33, 16। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, भारत में भैंस की कुल जो नस्लें पाई जाती है वो 184 पाई जाती है, यानी सी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगर गाय की पूछ ले, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था भी गाय की कुल देसी नस्लें कितनी हैं, तो आपका राइट आंसर था 43, ठीक है। और यहाँ पे भैंस की पूछी है तो 183। राठी गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थल कौन सा है ये आपको बताना है। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, बीकानेर, अलवर, काठियावाड़, रोहतक। तो 42 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अलवर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है, राजस्थान में बकरी की कौन सी ऐसी नस्ल है जो त्रिउद्देश्य है, मारवाड़ी, चोकला, जमुनापारी, शिरोही। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मारवाड़ी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसारडेल किस पशु की संकर नस्ल है, इसारडेल किस पशु की संकर नस्ल है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा भेड़, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आपका एक लाइक और एक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं अभी, ठीक है। तो लाइक और शेयर तो होना ही चाहिए क्लास में, इट्स ओके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व आपको बताना है कितना होता है। 1.028, 1.032 या फिर 1.037 या फिर 1.93। तो आपका राइट आंसर होगा 1.037, ठीक है, 037 सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है, क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान होना चाहिए 29 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका राइट आंसर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रताप धन किसकी नस्ल है, गाय की, बकरी की, मुर्गी की या फिर खरगोश की। तो प्रताप धन है वो मुर्गी की नस्ल है भी, ठीक है ना, मुर्गी की नस्ल है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम AI कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया था, भारत में सर्वप्रथम AI कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया था, 1939, 1947, 1967 या फिर 2001। तो 1939 में, सर्वप्रथम 1939 में, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भेड़ व बकरी का अयन कितने भागों में बंटा हुआ होता है। तो भेड़ और बकरी का जो अयन है वो आपका राइट आंसर होगा, दो भागों में बंटा होता है भी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ऊंट की किस नस्ल को जिपराज के नाम से जाना जाता है, झालावाड़ी, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बीकानेरी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है, वाल ओविंग आदत सामान्यता किस पशु में होती है, वाल ओविंग आदत है वो सामान्यतः किस पशु में होती है, गाय, बकरी, भैंस, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा भैंस में, भैंस की आदत होती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ब्लीटिंग किस पशु की सामान्यतः आदत है, ब्लीटिंग है वो किस पशु की सामान्यतः आदत है, बकरी की,
गाय की, भेड़ की, ऊंट की, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बकरी की, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है पशुओं के लिए निम्न में से सबसे आरामदायक छत कौन सी होती है, सीमेंट की, लोहे की चद्दर, या फिर कच्ची लकड़ी की, या फिर सीमेंट या पत्थर की, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कच्ची लकड़ी की, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। घोड़े में संभोग की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, टपिंग, सर्विंग, रटिंग, कवरिंग, तो 54 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कवरिंग, कवरिंग के नाम से जानते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, IGFRI कहाँ स्थित है, IGFRI कहाँ स्थित है, फरीदाबाद, हिसार, बीकानेर, झांसी, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा झांसी में स्थित है, ठीक है, झांसी में, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है यदि गाय को 1 किलो शुष्क पदार्थ खाने के लिए दिया जाए तो उससे कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर या फिर 6 लीटर, तो 4 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 57 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है मछली में पाया जाने वाला वह कौन सा एक जैव रसायन है जो कि कार्डियोवास्कुलर रोगों को कम करने में सहायक है, कुल वाष्पशील क्षारीय नत्रजन, या फिर ट्राइमिथाइल एमाइन, या फिर पोली एन सेचूरेटेड फैटी एसिड, या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक मछली नहीं है, सिल्वर फिश, मिल्क फिश, डॉग फिश, या फिर बॉम्बे डक, तो सिल्वर फिश है वो एक क्या है, मछली नहीं है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है तालाब में, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के जंतु जो पेंदे में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्लाकटन, या फिर बेंथोस, या फिर नेक्टर, या फिर न्यूस्टन, तो 59 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बेंथोस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है गोल्डन कार्प मछली का वैज्ञानिक नाम बताओ भी, टिलापिया, शिप्रिंस, या फिर केरासियस, या फिर कटला, तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा गोल्डन कार्प मछली का जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा केरासियस, केरासियस, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 60 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त क्लास से जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए। क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।